हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जानते हैं एक और नई जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो फूल गोभी होती है उसके आपके शरीर को क्या सारे फायदे मिलते हैं। वैसे तो आमतौर पर जो फूल गोभी होती है इसका प्रयोग सब्जी बनाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह जो फूल गोभी होती है वह आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। फूल गोभी में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लौह तत्व के अलावा इसमें विटामिन ए, आयोडीन और पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इतने सारे पोषक तत्वों की वजह से यह आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। यह आपके शरीर को खून साफ करने और चर्म रोगों से बचाने में बेहद फायदेमंद होती है। इसके लिए आप चाहें तो कच्ची गोभी या फिर इसका जूस बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं, तो यह दोनों तरीके से ही काफ़ी कारगर होती है। यदि आपको जोड़ों का दर्द, गठिया और हड्डियों में दर्द की समस्या होती है तो आप गोभी और गाजर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पिएं तो इससे आपको काफ़ी लाभ होता है। लगभग आपको 1 से 2 महीने तक इसका सेवन करना है तो इससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा यह आपको कोलाइटिस, पेट दर्द और पेट से संबंधित अन्य समस्याओं में भी काफ़ी लाभदायक होती है। चावल के पानी में इसके हरे भाग को पकाकर इसका सेवन करने से पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा लीवर में मौजूद एंजाइम को सक्रिय करने में गोभी का सेवन करना आपके लिए मददगार होता है। इसके सेवन से लीवर सही तरीके से काम करता है और यह आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। यदि आपको गले से संबंधित समस्याएं जैसे कि गले में दर्द होना, सूजन आदि होती है तो आप गोभी के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालें और इस रस का सेवन करें तो गले से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसमें आपको राहत मिलती है। गोभी जो होती है वह आपको मसूड़ों के दर्द, सूजन और मसूड़ों से खून आने की समस्या में भी काफ़ी लाभदायक होती है। आप गोभी के पत्तों का रस जो होता है इसे निकालकर इस पानी से कुल्ला करें तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान गोभी काफ़ी फायदेमंद होती है। यह फोलेट, विटामिन ए और विटामिन बी से भरपूर होती है और कोशिकाओं के विकास के साथ इससे गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी काफ़ी लाभ होता है। गोभी विटामिन सी का भी एक अच्छा उत्तम स्रोत होती है। इसके अलावा यह वजन कम करने में भी मददगार होती है। इसमें मौजूद विटामिन सी अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद करता है और इसमें फोलेट की मौजूदगी से आपके जो मोटापा होता है आपके शरीर का उसे भी कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं गोभी का सेवन करने से। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।